दोस्तों साइबर सिक्योरिटी या साइबर वर्ल्ड एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे 3A की बहुत ज़रूरत पड़ती है। 3A मतलब अलर्ट, अवेयर और एक्ट। आपको अलर्ट रहना पड़ता है और उसके बेसिस पे आप अवेयर रहते हैं, और जब अवेयर रहेंगे देन ओनली आप एक्ट कर पाएंगे। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली ज़्यादातर तो अपने इस चैनल चैलेंज श्रीवास्तव में मैं साइबर सिक्योरिटी के जो कोर्सेज होते हैं मैं उसके बारे में पढ़ाता हूँ। लेकिन अभी जैसा कि आपको पता है रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, इसके इस युद्ध के दौरान काफ़ी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी में अलर्ट्स आ रहे हैं, एडवाइजरीज आ रही हैं। सो आई थॉट कि ये भी एक बार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो अभी कुछ दिनों तक, जब तक ये कुछ मेजर न्यूज़ आ रही हैं, मैं आपके साथ साइबर सिक्योरिटी की न्यूज़ भी शेयर करूँगा। और बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको इस तरह के न्यूज़ अपडेट पसंद आ रहे हैं तो फिर इसको हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो अभी मेजर न्यूज़ क्या आ रही है, इसमें बेसिकली रशियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्लेम किया है कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स हुए हैं। अब देखिए होता क्या है, न्यूज़ में आप कोई भी न्यूज़ देखिए उसमें ज़्यादातर हम लोग को पता चलता है कि रशिया ने यूक्रेन पे कितने बम गिराए या कितनी मिसाइल्स दागी एंड ऑल, बट पीछे साइबर सिक्योरिटी इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये हम लोग को कभी नहीं पता चल पाता है। आपको बता दूँ लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया, वॉलंटियर्स हैकर्स ने पार्टिसिपेट किया था यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने में, और जिसकी वजह से यूक्रेन का काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हैक होने से बचा। और उल्टा उन्होंने अटैक किया रशिया पे और उनके गवर्नमेंट वेबसाइट्स, उनकी हेल्थ और इंश्योरेंस डोमेन की वेबसाइट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पर ही काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, यूक्रेन भी एक अच्छा खासा उनको जवाब दे रहा है, और साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक्स के मामले में भी यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अटैकर्स जो है ना वो वॉलंटियरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ऐसा है कि कोई भी कभी भी कहीं से किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है, और उसके पकड़े जाने की संभावना भी कंपेरेटिवली कम होती है। ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ में आता है, आज नहीं तो कल फुटप्रिंट कुछ ना कुछ तो वो छोड़ता ही है, और उसके बेसिस पे हम लोग पकड़ तो सकते ही हैं। बट जहाँ पे खुला युद्ध चल रहा है वहाँ पे तो पकड़ के भी किसको पता है कि यूक्रेन से अटैक हो रहा है, ज़्यादा क्या वो ट्रैफिक मैटर करेगा, मैटर करके उसको क्या करेगा, उसको ब्लॉक करना चाहिए। बट नाउडेज जो अटैकर्स हैं वो भी काफ़ी फुल प्रूफ अटैक करते हैं, सो अटैक होने के बाद ही पता चलता है कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए हैं और उसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। यूक्रेन के ऊपर भी ऐसा नहीं कि अटैक नहीं हुआ, यूक्रेन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए हैं, बट कई सारी गवर्नमेंट एडवाइजरीज थी जिन्होंने यूक्रेन को बचाया, वो पहले से ही बता देती थी कि आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या ऐसा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में ऐसा क्या अपडेट कर दें सो दैट नोबडी कैन अटैक, अगर नोबडी कैन एक्सप्लॉइट, कोई भी आपके एनवायरनमेंट में घुसने ना पाए, अटैक कर भी दे बट फिर भी ना घुसने पाए। इस तरह की एडवाइजरीज स्पेशली यूएस के साइड से काफ़ी ज़्यादा शेयर करी गई थी रशिया को, जिसमें CISA साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजेंसी, ये गवर्नमेंट ये यूएस गवर्नमेंट की एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, इसने काफ़ी सारी एडवाइजरीज स्पेशली उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से पैचेस माइक्रोसॉफ्ट के स्पेशली अभी अप्लाई नहीं हुए हैं जो कि अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर फॉर एग्जांपल एक उसमें पैच था, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम था प्रिंट बूट पैच था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं ये जब मैं वीडियो एडिट करूँगा तो उसमें मैं नाम डाल दूंगा। तो बेसिकली उसमें क्या था, प्रिंटर के थ्रू अगर आई मीन दे कैन एक्सेस किसी का भी, अगर प्रिंटर किसी सिस्टम से किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है तो उसके थ्रू उनके सिस्टम के अंदर जा करके एंड दे कैन टेक द कंप्लीट एक्सेस। उसके अलावा रिसेंटली अभी आपको पता है जो जो कैपेस्क्री जो एंटीवायरस है, चलो मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, कैपेस्क्री, ये रशियन कंपनी ने इस एंटीवायरस को बनाया है, एंड रशिया ने इस एंटीवायरस कंपनी को ऐसा बोला है कि यूक्रेन में जहाँ कहीं पे भी एंटीवायरस इंस्टॉल है उनका डिटेल उसके साथ शेयर किया जाए। सी एंटीवायरस कोई भी होता है ना, वो किसी भी मशीन का एडमिन लेवल का राइट्स मांगता है, तभी वो उनके सिस्टम को स्कैन कर पाता है और फाइंड आउट करता है कि इसमें कौन कौन सी वायरसेज हैं या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, तो उसके पास ऑलरेडी एडमिन लेवल का राइट्स होता है। अब सोचिए ये राइट्स अगर वो एंटीवायरस कंपनी से कोई ज़बरदस्ती ले ले, या वो उससे कहे कि ये राइट्स हमको दो, या यू अलाउ मी कि मैं किसी और मशीन के अंदर जाऊँ यूजिंग योर एंटीवायरस, तो आपका एंटीवायरस इटसेल्फ इज़ अ वल्नरेबल। तो इसलिए यूएस एजेंसीज ने बोला है कि जहाँ कहीं पे भी ये एंटीवायरस इंस्टॉल है उसको तुरंत अनइंस्टॉल करो और उसको यूज़ करने से बचें। सो एंटीवायरस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक लूपहोल हो जाता है किसी भी अटैकर्स के लिए, स्पेशली अगर वो सपोज रशिया या यूक्रेन की में किसी कंपनी ने बनाया है तो। और आपको ये बता दें जो भी मैं बता रहा थोड़ी देर पहले कि रशिया ने ऐसा क्लेम किया है कि उसके ऊपर ऑलमोस्ट 500 GB से 1 TB तक का डीडॉस अटैक हुआ है। डीडॉस अटैक क्या होता है, सपोज हम लोग जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो हम लोग एक इंटरनेट की स्पीड होती है, सो उसके नॉर्मली हम लोग बहुत कम स्पीड पे हम लोग उस वेबसाइट को ओपन करते हैं, बट जो जितना वो वेबसाइट वो उस स्पीड को कंज्यूम भी कर सकती है। बट क्या होता है ना, बहुत सारे यूज़र्स अगर एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे उस वेबसाइट पे या उस डोमेन को हिट करेंगे तो शायद उतना ट्रैफिक वो साइट बर्दाश्त ना कर पाए, उसका बैंडविड्थ उतना ना हो, तो साइट या तो स्लो हो जाती है या क्रैश हो जाती है। सो
रशिया यही कह रहा है कि उसके ऊपर 1 TB का अटैक हुआ, 1 TB के का ट्रैफिक उसके ऊपर उसकी वेबसाइट पर डाला गया है। और ये इनकी रशिया मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, यहाँ से ये रिपोर्ट जनरेट हुई है और ये शेयर करी गई है वाशिंगटन पोस्ट में। सो इस तरीके के जो अटैक्स होते हैं ना, ये किसी वेबसाइट को स्लो डाउन या क्रैश करने के पर्पज़ से बताया जाता है। लेकिन उधर यूक्रेन ने भी बोला है कि उसके उसके ऊपर भी करीब 3000 से भी ज़्यादा डीडोस अटैक हुए हैं। तो अब देखिए, दोनों ही कंट्री क्लेम कर रही हैं कि उनके ऊपर डीडोस अटैक हुआ है। डीडोस अटैक अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट जो मैंने भी बताया उसका मीनिंग वही होता है कि जितना ट्रैफिक को वेबसाइट बर्दाश्त कर सकती है उससे भी कई गुना ज़्यादा अगर ट्रैफिक उस पर भेजते हैं तो या तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है या वो हैंग हो जाती है, इतना स्लो हो जाती है कि उस वेबसाइट पर कोई जाता ही नहीं। फिर ज़्यादातर ये ई कॉमर्स कंपनी होती है ना रिटेल की, उस पर अटैक्स होते हैं, सो दैट जो उसके कंप्यूटर हैं जो और सामान बेच रहे हैं लोग उस पर ना जाएं, उनके कंप्यूटर पर जाएं, क्योंकि जो वेबसाइट अच्छी है जो वेबसाइट पर प्रोडक्ट बिक रहा है वो इतना स्लो है या इतना हैंग हो रही है या क्रैश हो जा रही है कि लोग फिर लोग उस पर जाएंगे नहीं, तो जो कंप्यूटर वेबसाइट है रिटेल की लोग उस पर जाते हैं। डीडोस में ज़्यादातर ऐसा होता है और ये पेड अटैक्स होते हैं, दूसरी दूसरा कंप्यूटर पे करता है डीडोस अटैक के लिए। तो अच्छा, रशिया ने बोला कि 1 TB का अटैक हो रहा है और यूक्रेन ने बोला 3000 से भी ज़्यादा अटैक हो चुका है, वो भी 100 GBPS का। तो दोनों ही कंपनी के दोनों ही कंट्री कह रही है कि उन पर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। तो अभी आप ये समझिए कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही साइबर वॉर में भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम लोग क्योंकि इसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि कौन कहाँ से बैठ के किस लेवल का अटैक किस किस कंट्री पे कर रहा है। मे बी किसी और कंट्री से भी लोग पार्टिसिपेट करें जो अपने को पता ही ना हो और शायद कभी पता भी ना चले। तो अभी ये ओनली मिसाइल या रॉकेट वाला युद्ध नहीं है, ये भी साइबर वॉर हो चुका है। सो ये एक एक तरीके से एक ऐसा अटैक है जो किसी भी कंट्री को फाइनेंशली या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जिससे वो कभी खड़ा नहीं हो पाता कंट्री, काफ़ी बुरा इंपैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करी होगी इससे इसको आपको अच्छा लगा होगा। मैं अपने साइबर सिक्योरिटी के जो सर्टिफिकेशन हैं CISM, CDPSC, CCSK या ISO 27001:2013 LA, इन सब की वीडियो मैं डालता रहूँगा, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती थी जो आई थॉट आपके साथ शेयर किए जाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो और क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की न्यूज़ आपके साथ और शेयर करी जाए, जैसा बताइएगा जरूर। एंड देन उसके बाद आई विल स्टॉप सेंडिंग दिस न्यूज़ अपडेट्स और आई विल कंटिन्यू बेस्ड ऑन योर कमेंट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, सो दैट आप हमेशा साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में जो भी न्यूज़ और अपडेट्स आते हैं वो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और लास्टली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपका अगर खुद का घर का लैपटॉप भी है ना, सो प्लीज़ उसको रेगुलर अपडेट करिए, कोई एंटीवायरस उसको रेगुलर अपडेट करिए, सो दैट जो पैचेज हैं वो आपके सिस्टम में हमेशा अपडेटेड रहें। सो कोई भी साइबर सिक्योरिटी का अटैक होता है, कोई भी साइबर अटैक होता है, सो एटलीस्ट वो पैचेज आपको बचाएंगे, राइट, एटलीस्ट वो ब्लॉक करें, बिकॉज वो वल्नरेबिलिटी आप ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, वो वीकनेस आपके सिस्टम में ऑलरेडी फिक्स हो गई है। सो ऐसा जरूर करिएगा, बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।